जब से बिहार में नीतीश कुमार की चौथी पारी का आगाज हुआ है, पारी कई बार लड़खड़ाती हुई दिखी। दूसरों के भरोसे चल रही सुशासन की सरकार को जब तक कोई ना कोई गिराने की धमकी देता रहता है। एक बार फिर होली के मौके पर मुकेश सहनी के बयान से बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया है। जिस रोज वो चाहेगा कि 2.5 साल का सीएम हम बनते हैं, 2.5 साल का सीएम निषाद का बेटा बने, उस रोज काम हो सकता है, एक साथ में हो सकते हैं। कि हम उनके उंगली पकड़ के यहाँ तक आए हैं, लालू जी हमेशा हमारे दिल में रहे। बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन दिल में लालू जी बसते हैं। होली के ठीक पहले वीआईपी पार्टी ने बिहार की राजनीति में फिर हलचल मचा दी है, और मुकेश सहनी के इन बयानों से ये भी पता चलता है कि सुशासन बाबू की चौथी पारी जैसे तैसे ही आगे बढ़ रही है। सरकार बनने के साथ ही ये साफ हो गया था कि अब की बार सरकार पर नीतीश का कोई नियंत्रण नहीं रहने वाला, क्योंकि सरकार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी की बैसाखियों पर टिकी है, और इसी का फायदा उठाकर मुकेश सहनी जैसे नेता खुलकर अपने दिल की बात करने से नहीं चूकते। नीतीश के साथ रहकर भी मीडिया में बयानबाजी कर आरजेडी से डील करने से नहीं हिचकते हैं। लालू जी सामाजिक न्याय के रुझा रहे हैं, लालू जी हमेशा हमारे दिल में रहे। आज मेरी लड़ाई है कि संपूर्ण बिहार में पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा सब मिलकर राज करे। तेजस्वी का है कि मैं अकेले मुख्यमंत्री बनूं, बाकी कोई न बने। तो जब तक उनके और सोच में मेरे सोच में फर्क रहेगा, उस रोज हम लोग दूर रहेंगे। जिस रोज वो चाहेगा कि 2.5 साल का सीएम हम बनते हैं, 2.5 साल का सीएम निषाद का बेटा बने, उस रोज काम हो सकता है, एक साथ में हो सकते हैं। जाहिर है नीतीश के साथ सरकार में रहकर भी मुकेश सहनी आरजेडी को खुला ऑफर दे रहे हैं। इस ऑफर पर मुकेश सहनी से दोबारा सवाल किया गया तो वो मुस्कुराते हैं, लेकिन अपने ऑफर पर अडिग भी दिखते हैं। मेरा यही कहना था कि जो लोग राजनीति में हैं, हम लोग लालू जी के मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज उनके सुपुत्र को नहीं मानते हैं। उनका एक ही सोच है कि पूरे राज्य पे हम अकेले राज करें, और हमारा सोचना है कि गरीब समाज के, पिछड़ा समाज के, दलित समाज के सब मिलकर बिहार के ऊपर काम करें, बिहार के गरीब के लिए काम करें। आपके इस बयान पे बीजेपी कह रही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ठीक है ना, लोग ही देखते हैं ना। ठीक है। हालांकि मुकेश सहनी के इस बयान को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, ना तो जेडीयू और ना ही आरजेडी ने कोई जवाब दिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।